हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज जानवी मेरा विद्यू एंड एंड टूडे इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ द फर्स्ट पोएम ऑफ फ्लेमिंगो विच इज़ माई मदर एट सिक्सटी सिक्स ठीक है तो फ्लेमिंगो बुक जो ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश है उसकी जो सबसे पहली पोएम है माई मदर एट सिक्सटी सिक्स उसके हम टॉप एम सी क्यूज को आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है जो सारे चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो बुक के उनके मैं ऑलरेडी एम सी क्यूज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज अपने चैनल पर कवर करवा चुकी हूँ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं सो so गाइस जो ये बोएम है सबसे पहले इसके पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं ठीक है इसमें एक तो सिमिली यूज हुआ है उस सेंटेंस में फेस एशन लाइक अ कॉर्प्स एज अ लेट विंटर्स मून ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू नाउ जो सेकंड पोइटिक डिवाइस यूज हुआ था वो परसोनिफिकेशन यूज हुआ था इन दीज टू फ्रेसिज सॉरी इन दिस फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग ठीक है मेटाफर कहाँ यूज हुआ था चिल्ड्रन स्पेलिंग में ये वाला जो फ्रेज है और रेपिटेशन जो पोइटिक डिवाइस है ये यूज हुआ था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल जो एंड की जो लास्ट लाइन है उसमें आपका रेपिटेशन यूज हुआ है सॉरी यूज हुआ है और जो फिफ्थ है एलिट्रेशन वो यूज हुआ था That thought away. तो टी टी का जो साउंड है वो दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ रहा है सो दैट इज एलिट्रेशन सो गाइज इसके अब एम सी क्यूज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके इस टाइमजा को रीड करना है guys, वीडियो को पॉज कर लो और इस टाइन्जा को रीड करो ओके नाउ सो द फर्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टैंड इज नेम द दोएम एंड द पोएट तो इसका आंसर है सी माइ मदर एट सिक्स और इसकी जो राइटर है वो है कमला दास ना क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर वॉज द पोएट गोइंग तो जो टू का आंसर है वो है ए कोचिन एयरपोर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज हु सिटिंग बिसाइड हर सो so, थ्री का आंसर है वो है ए पोएट की मदर बैठी हुई थी फोर्थ वेन वॉज द पोएट गोइंग तो फोर्थ का आंसर है डी ऑन फ्राइडे नाउ फिफ्थ हाउ डिड हर मदर लुक लाइक तो फिफ्थ का आंसर है डी बोथ बी एंड सी बी लाइक अ डेड बॉडी और सी वही लाइक अ कॉर्प्स डेड बॉडी और कॉर्प्स सेम चीज होते हैं ठीक है कॉर्प्स का मतलब ही डेड बॉडी होता है पोयट गोइंग फ्रॉम सो सिक्स का आंसर है बी हर पेरेंट्स होम और सेवेंथ देखते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंडा विच मीन्स सेम एज स्लीप लाइटली तो इसका आंसर है सी डोस नाउ गाइज लेट्स पॉज द वीडियो फॉर अ मिनिट एंड रीड द स्टैंडा नंबर टू ओके सो वीडियो को पॉज कर लो ओके सो द क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द स्टैंजर टू इज हु लुक्ड आउट इज एमसीक्यू का आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है ए कमला दास पोएट ने खिड़की से बाहर देखा था गाड़ी की नाउ सेकंड इज हाउ डू ट्रीज सीम टू बी तो सेकंड का आंसर है डी स्प्रिंटिंग ओके थर्ड इज द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर तो थर्ड का आंसर है ए होम्स उटम्पी तो फोर्थ का पोएट गो एट दोर्ट तो फिफ्थ का आंसर है डी बोथ ए एंड बी ओके एंड बी इज लगेज चेकिंग एंड सिक्योरिटी प्रोसेस के थ्रू शीव एंड थ्रू नाउ सिक्स इज वॉट डिड द पोयट डू आफ्टर सिक्योरिटी चेक तो का आंसर है बी लुक्ड एट हर मदर एंड सेवेंथ इज वट इज द मीनिंग ऑफ वैन तो सेवन का आंसर है डी बोथ ए एंड सी ए इज सिकली एंड बी इज लैक ऑफ एनर्जी ठीक है लैक ऑफ एनर्जी वही कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे मरे हुए हालत में जो होता है दैट इज नाओ स्टैंडर नंबर थ्री पढ़ लो फटाफट वीडियो को पॉज करके ओके okay?

स्माइल smile एंड and smile, and smile तो इसको हमने पढ़ा था ये होता है का का हो जाएगा तो आंसर है B, with late winter's moon. और देख लेते हैं वॉट रेफर टू द पोएट तो सेवेंथ का आंसर है ए हर मदर सो गाइज दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीड इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रॉम द पोएम माई मदर एट सिक्सटी सिक्स ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑफ टर्म वन ठीक है जो कि नवंबर या दिसंबर में आपके हो जाएंगे सो क्या इस किसी भी चैप्टर के आपको टॉप एम सी क्यूज देखने हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाकर देख सकते हैं मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर या पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ के साथ तब तक तो के लिए व बाय टेक केयर लव यू ऑल